लखाउपी पुलिस के द्वारा शराब माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई का अभियान जारी है। हाथाउपी की पुलिस ने अभी 40 बोतल शराब की खेप के साथ एक कारोबारी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि कारोबारी इलाके में भेंडर के रूप में शराब बेचने का काम करते थे। इस बात की जानकारी पुलिस को मिली थी। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। हाथा ओपी के अध्यक्ष जितेंद्र देव दीपक ने अभी बताया है कि गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में पुलिस ने हाथा ओपी से सटे पटसारा ग्राम से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। बाइक समेत यह गिरफ्तारी हुई है, जिसके पास से 40 बोतल शराब की बोतल बरामद की गई है, जिसके बाद शराब माफियाओं में हड़कंप का माहौल देखा जा रहा है। हाथा ओपी के अध्यक्ष ने बताया कि इलाके में जहां कहीं भी शराब बिक्री से जुड़ी हुई खबर मिले त्वरित रूप से कार्रवाई का अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किया गया आरोपी इससे पहले भी कई बार जेल जा चुका है। चौथी बार उसे शराब बेचने के आरोप में पकड़ा गया है, लिहाजा इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस के द्वारा आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।